Hello everyone. Now let's see how we can check that the two DFAs, they are equal in nature. Equal means that they are accepting the same language, that their structure is different, but the language which they are accepting, that is the set of string, it is same. ठीक है, हो सकता है कि number of states कम ज्यादा है या आपका दोनों structurally different दिख रहे हैं, but जो strings हम pass करेंगे, अगर वो M1 pass करता है तो वो M2 भी उसको accept कर सकता है. So how you will check that these two machines M1 and M2 are equal in nature? So we can construct a table like DFA transition table, and there are two inputs, so we can take two inputs right here. अब हम क्या करेंगे, मैपिंग करेंगे, क्योंकि जब भी हम इक्वालिटी चेक करते हैं तो हम मैपिंग करेंगे 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस के थ्रू. एंड 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस का मतलब एलिमेंट का इमेज है, हर एलिमेंट की एक इमेज हमें दी हुई है. सो लेट्स से देयर इज एन इनिशियल स्टेट, तो हम कहाँ से मैपिंग करना स्टार्ट करें, इनिशियल स्टेट से. एज यू कैन सी M1 का इनिशियल स्टेट है S और M2 का इनिशियल स्टेट है P. हम इन दोनों की मैपिंग करते हैं, हमने क्या किया, एस और पी का एक पेयर बना दिया, दैट दे आर इनिशियल स्टेट्स ऑफ द टू मशीन्स, एस एंड पी. डन. नाउ वी विल चेक जीरो इनपुट फॉर बोथ एस एंड पी. तो आप जीरो एस के लिए भी चेक करोगे और पी के लिए भी. तो एस ऑन जीरो इज एस, देयरफॉर वी विल राइट एस. पी ऑन जीरो इट इज पी, therefore it is P. अब जो भी एंट्री हम इस टेबल में कर रहे हैं उसको हमें चेक करना है. ये चीज हमें समझ में आई कि हम टेबल में एंट्री कैसे करेंगे, कि इनिशियल स्टेट से स्टार्ट कीजिए, दोनों मशीन्स का इनिशियल स्टेट लीजिए, आपस में मैप कर दिया, उसके बाद इनपुट के लिए उनके ट्रांजिशन चेक किए, जो भी स्टेट है अगेन दे आर गोइंग टू मैप. ठीक है, अब जो पेयर बन के आएगा और हम यहाँ लिखेंगे उसको हम चेक करेंगे कि वो दोनों या तो नॉन फाइनल स्टेट्स हो या फिर दोनों फाइनल स्टेट्स हो. ठीक है, या तो दोनों नॉन फाइनल हो या फिर दोनों फाइनल स्टेट्स होनी चाहिए. अब आपका जो पेयर एसपी है, बोथ आर फाइनल स्टेट्स, दैट इज अ कंपैटिबल पेयर. अब वन के लिए चेक करते हैं, एस ऑन वन इनपुट इज ए, पी ऑन वन इनपुट इज क्यू, सो दिस इज माय पेयर. तो ये क्या हो गया, ए कॉमा क्यू. अब हम एस पी का कंपैटिबिलिटी चेक कर चुके हैं, अब हम ए क्यू की कंपैटिबिलिटी उसके ट्रांजिशंस के थ्रू चेक करेंगे. तो ए और क्यू ऑन जीरो इनपुट हम कहां जा रहे हैं, ए ऑन जीरो इज गोइंग टू बी, देयरफॉर इट इज बी, एंड क्यू ऑन जीरो इनपुट इज गोइंग टू आर, देयरफॉर इट इज आर. B and R both are non-final states, compatible states. A and Q on one input, A on one is S, Q on one is P. Now this is a new pair, so we will check its compatibility again for its transition. B comma R on zero input, so B on zero input is A and R on zero input is T. A and T both are non-final, again they are compatible pair. Next we will check one input, so B on one input is B and R on one input, R is nothing, I think R is missing over there, it might be a loop, so it is a loop. ठीक है, so BR is already we have checked that both are non-final states. Now we will check A comma T. So A comma T, A on zero input is B and T on zero input is R. One input, A on one input is S, T on one input is P. So as you can see B, R, S, P, I think these pairs we have already covered. ये हम कहीं ना कहीं cover कर चुके हैं. और दूसरी चीज हम क्या देखेंगे कि S A B ये कहीं ना कहीं map है और P Q R T ये चारों भी map है. और हमने जितनी entries यहाँ पे की वो सारे compatible pairs थे.
अगर वो सारे कंपैटिबल पेयर्स हैं और आपका टेबल यहीं पे बाइंड अप हो जाता है, इट मींस दैट बोथ द DFA M1 एंड M2 आर एक्सेप्टिंग सेम लैंग्वेजेस. देयरफॉर M1 इज इक्वल टू M2. ठीक है, एंड लैंग्वेज ऑफ M1 एक्चुअली में तो जो स्टेटमेंट है वो ये होना चाहिए दैट लैंग्वेज ऑफ M1 एंड M2 आर सेम. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन चेक इक्विवेलेंस ऑफ टू डीएफएस. थैंक यू.